मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। पहले आप अपना गणित खोल लें, क्योंकि गणित में से हम प्रश्न को पढ़ेंगे, पहले उनको समझेंगे, उसके बाद ही हम इसे हल करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर एक है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को L से दर्शाया जाता है। समबाहु त्रिभुज के बारे में आप अच्छे से परिचित हैं। समबाहु त्रिभुज इस प्रकार का त्रिभुज होता है जिसके अंदर तीनों भुजाएं, जो उसकी तीनों विमाएं होती हैं, वो समान होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। तो उसने भुजा को L दर्शा दिया, अर्थात वो L लंबाई की है, L से डिनोट किया है इसने इसको। इस समबाहु त्रिभुज के परिमाप को L का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, जबकि उसकी भुजा क्या दे रखी है, L दे रखी है। ये हमने पहले प्रश्न में समबाहु त्रिभुज बना लिया है और इसकी तीनों भुजाएं हैं और परिमाप हमें ज्ञात करना आता है। किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए, द्विमितीय आकृति का, हम क्या करते हैं, जो उसके ऊपर का एक घेरा है, अर्थात उसकी जितनी भी भुजाएं हैं सबका जोड़ ले लेते हैं। अब इनका जोड़ लेंगे, L जमा L, देखो तीन है ना ये, एक L, एक L, एक L, तीनों का जोड़ दे लिया। अब L L L इनमें चर समान है तो ये जुड़ जाएंगे। जुड़ते क्या है, जुड़ते हैं कि गुणांक जो इनके पहले होता है, जिसके साथ अगर कोई संख्या नहीं होती उसका मतलब वहां पे वो एक है। तो एक ही हो गया, एक ही हो गया और एक ही हो गया, कितने एल हो गए, तीन एल हो गए। बहुत बढ़िया, तीन एल। तो इसका जो परिमाप है वो क्या आ गया, तीन एल के बराबर आ गया है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर दो, एक समषड्भुज जिस भी आकृति के नाम के आगे सम लग गया, आप समझ लेना कि उसकी सारी की सारी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, समषड्भुज, षड्भुज का मतलब जिसकी छह भुजाएं होती हैं और छह की छह भुजाएं समान हैं। तो एक समषड्भुज की एक भुजा को L से व्यक्त किया गया है, L का प्रयोग करते हुए इस षड्भुज का परिमाप को व्यक्त कीजिए। अब यहां पर देखिए, यह हमने षड्भुज बनाया हुआ है और इस षड्भुज में एक भुजा वो L के बराबर दे रखी है, तो हम लिखेंगे यहां पे षड्भुज का परिमाप बिल्कुल उसी प्रकार। अब इसके परिमाप को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन छह की छह भुजाओं का जोड़ करेंगे और छह की छह भुजाएं किस लंबाई की है, किस माप की है, वो L के बराबर दे रखा है। जिस प्रकार यहां परिमाप हमने निकाला था, तीन बार L जोड़ा तो वो क्या आ गया, तीन L आ गया। यहां पे कितनी बार L को जोड़ा जाएगा, छह बार, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि छह भुजाएं तो है, तो छह बार L को जोड़ा गया तो इसका परिमाप क्या आ गया, ये समषड्भुज है। समषड्भुज का परिमाप क्या हो गया, छह बार L को जोड़ा जाएगा तो छह L, बिल्कुल सही कहा, छह L, छह बार L को जोड़ा जाएगा तो उसका परिमाप क्या हो गया, छह L के बराबर आ गया। ठीक है, प्रश्न नंबर तीन को पढ़ते हैं। घन एक त्रिविमीय आकृति है, घन के बारे में आप परिचित है, घन वह आकृति है जिसकी सारे फलक, इसके अंदर छह फलक होते हैं, छह के छह फलक वर्ग के आकार के होते हैं और इस प्रकार की आकृति हमारे पास पासा होती है। पासा हम खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी लूडो खेलते हैं, वो जो डाइस होता है हमारे पास वो होती है। घन एक त्रिविमीय आकृति है, जैसा कि आकृति 11.11 में दिखाया गया है, इसके छह फलक होते हैं और ये सभी सर्वसम वर्ग होते हैं, है ना, सारे के सारे समान होते हैं और वो वर्ग भी होते हैं। घन के एक किनारे की लंबाई L से दी जाती है, घन के किनारों की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। अब घन के किनारे L है, ये भी 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 L, ये भी L, ये भी L, ये भी L और ये भी L, ठीक है, ये L। अब ये घन आपको यहां पे भी दिखाई दे रहा है, आप यदि इसको गणित में देखेंगे ये भी आपको दिखाई दे रहा है और इसके पीछे जो डॉट डॉट करके लाइन लगाई है ये भी इसके किनारे हैं। अब इसके भी किनारों को भी नहीं तो देखिए इसके किनारे कितने बनेंगे, आप गिन के देखें, देखो ये ऊपर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, चार। नीचे भी देखें कितने हैं, चार, और खड़े हुए भी देख लें, एक दो तीन चार, ऊपर भी चार है, नीचे वाले में भी चार है और खड़े हुए भी चार है, तो कुल किनारे इसके कितने बन गए, बारह बन गए, बिल्कुल सही, चार नीचे हैं, चार ऊपर हैं और चार बीच में जो खड़े हुए हैं। अब इसके किनारों की लंबाई यहां पे हमें क्या ज्ञात करना है,
घन के, यहां पे बेशक हम लिख लेते हैं घन के किनारों, क्या ज्ञात करना है, किनारों की कुल लंबाई, किनारों की कुल लंबाई। अब घन के किनारों की कुल लंबाई ज्ञात करनी है और किनारे हमारे पास कितने आए हैं, 12 आए हैं और हर किनारा की माप क्या है, हर किनारे की माप क्या है, L है, तो 12 बार L को जोड़ना पड़ेगा तभी तो उनकी लंबाई आएगी, और 12 बार यदि L को जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, बिल्कुल सही कहा, क्या 12 L, बस सिंपल। देखो यहां 3 बार L को जोड़ा गया 3L, 6 बार L को जोड़ा जाएगा 6L। किसी भी एक संख्या को यदि बार बार जोड़ा जाता है तो जितने बार उसको जोड़ा जाता है सीधा उससे गुणा कर दे तो हमारे पास उसका मान आ जाता है। ये 12 बार जोड़ा गया तो 12 गुणा एल 12L हो गया, ये 6 बार जोड़ी गई तो 6 गुणा एल 6L हो गया, ये 3 बार जोड़ी गई तो 3 गुणा एल 3L हमारे पास आ गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। वृत्त का एक व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है, उसके केंद्र से होकर जाता है। संलग्न आकृति 11.12 में ए बी वृत्त का व्यास है, सी इसका केंद्र है। वृत्त के व्यास डी को उसकी त्रिज्या आर के पदों में व्यक्त कीजिए। अब इसके अंदर क्या कह रखा है, यहां पर देखिए वृत्त दीर्घ है, ये ए बी व्यास है, व्यास एक ऐसी जीवा है वृत्त की जो केंद्र से होकर जाती है, यहां देखो ये केंद्र है सी पे तो इससे होकर जा रही है, और ये पूरा व्यास है, ये देखो ये पूरा ये डी है, यहां से ए से बी तक, डी का मतलब डायमीटर, व्यास को अंग्रेजी में बोलते हैं, और ये त्रिज्या होगी यहां से यहां तक, ये देखिए आर, आर मतलब रेडियस, रेडियस को त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो यदि इस व्यास को ध्यान से देखें, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होगी, तो ये व्यास ए बी है, यहां केंद्र से परिधि तक की दूरी ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या है ना, और यहां केंद्र से परिधि तक की दूरी ये भी त्रिज्या है। अब आप देखें इस व्यास के अंदर कितनी त्रिज्या है, अभी ए बी पूरा व्यास था, और एक तो ए सी त्रिज्या होगी, एक सी बी त्रिज्या होगी, दो त्रिज्याएं आ गई ना इसके अंदर, तो व्यास के अंदर ये दो त्रिज्याएं हैं, तो डी व्यास को मैं कैसे लिख सकता हूं, दो बार त्रिज्या का जोड़ है यहां पे, देखो एक त्रिज्या जमा दूसरी त्रिज्या, आर जमा आर, और आर जमा आर को क्या लिखूंगा मैं, बिल्कुल सही कहा, दो बार जोड़ है ना आर का, वो हो जाएगा दो आर, तो डी बराबर टू आर, डी बराबर दो आर के बराबर आ गया, अर्थात व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना होता है दो आर के बराबर। चार प्रश्न ही हो गए, पांचवें प्रश्न को देखते हैं कि तीन संख्याएं 14, 27 और 13 के योग पर विचार कीजिए। हम यह योग दो प्रकार से कर सकते हैं, पहले हम 14 और 27 को जोड़कर 41 प्राप्त कर सकते हैं, 41 में 13 जोड़कर कुल योग 54 प्राप्त होता है, या हम पहले 27 और 13 को जोड़कर 40 प्राप्त कर सकते हैं और फिर इसे 14 में जोड़कर कुल योग 54 प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इसने इस प्रकार से दे दिया ये हमें क्या कि देखो पहले 14 और 27 को जोड़े और फिर उसके अंदर 13 को जोड़े, उसका मान भी वही आएगा, पहले यदि हम 27 और 13 को जोड़ दें और फिर उसमें 14 जोड़े, तो इसको हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं कि ऐसा किन्हीं भी तीन संख्याओं के लिए किया जा सकता है, यह गुण संख्याओं का योग का साहचर्य गुण कहलाता है, इसको हम साहचर्य गुण कहते हैं। इस गुण को जिसे हम पूर्ण संख्याओं के अध्याय में पढ़ चुके हैं, चल ए बी सी का प्रयोग करते हुए एक व्यापक रूप में व्यक्त कीजिए। अब ए बी सी का प्रयोग करना सिर्फ और कुछ नहीं, 14 की जगह ए लिख दे, 27 की जगह बी, 13 की जगह सी, यहां भी 14 की जगह ए, 27 की जगह बी और 13 की जगह सी। किस प्रकार, यहां पर देखें 14 की जगह ए, पहले तो ए जमा बी को जोड़ दे फिर उसमें सी को जोड़े, या फिर पहले हम क्या करें बी जमा सी को जोड़ दें और फिर उसमें ए जोड़े, ये साहचर्य गुण आ गया। या तो पहले इन दोनों को जोड़ के फिर पहली संख्या जोड़े, या पहले दो संख्याओं को जोड़ के फिर तीसरी जोड़े, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हमारे पास इसका उत्तर हो गया। तो ये प्रश्नावली 11.2 से संबंधित हमारे पास 5 प्रश्न थे, आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।